नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर जी हां, आपको बता दें कि लगातार इंतजार किया जा रहा था कि मैनपुरी से सपा पार्टी किसको आगे उतारेगी, अखिलेश यादव किसके चेहरे पर मोहर लगाते नजर आएंगे। अब इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ गई है, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव में मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा की है। मुलायम सिंह यादव नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। चुनाव आयोग इस सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव कराने जा रहा है। समाजवादी पार्टी को परिवार पर पूरे तरीके से भरोसा है। यह रणनीति में मैनपुरी पर लागू की गई। सपा की यह रणनीति पहले ही कामयाब हो चुकी है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 2014 से मुलायम ने जब मैनपुरी सीट छोड़कर आजमगढ़ की सीट संभाली थी, तब से उपचुनाव में परिवार के तेज प्रताप यादव को मैनपुरी से उतारा था। तेज प्रताप ने तब 3 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीता था। इससे पहले 2004 उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव भी मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत चुके हैं, तब भी मुलायम ने यह सीट खाली थी। यानी इस बार भी सपा इसी पर भरोसा कर रही है। 2019 में जब मुलायम आजमगढ़ सीट पर छोड़ मैनपुरी गए तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव लोकसभा पहुंचे थे। लगातार बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। यहां पर अब इंतजार है कि सपा पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन भाजपा किसको आगे करेगी? क्या अपर्णा यादव पर मोहर लगाती नजर आएगी? अगर अपर्णा और डिंपल आमने सामने होते हैं तो क्या वोट बढ़ते नजर आएंगे या फिर डिंपल की जीत मानी जाएगी नेताजी की वजह से? अब अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।